हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के काम भी स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे पहले मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मैंने चाय वाय पी ली है, उसके बाद ही झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए, काफ़ी अभी भी आ ठंड रही हो रही है गांव में। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, मतलब झाड़ू लग गई है पूरे में। अब मैं पोछा लगा दूंगी और पूरा वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि बैठ के ना मुश्किल हो जाता है लगाना और फिर जल्दी भी लग जाता है वाइपर से। तो फटाफट से जल्दी में पोछा मार दूंगी। अब बस यही सुबह के काम होते हैं। और अब मैं बाहर भी झाड़ू लगा पोछा लगा दूंगी, फटाफट से पोछा लगा कर काम फिर हो जाएगा। उसके बाद ही फिर मैं किचन में जाऊंगी खाना पीने के लिए। और पोछा लगा के पहले नहा कर आऊँगी, फिर खाना बनाऊंगी। और यही सब बस काम चलते रहते हैं। अब ना पोछा लगाते लगाते ना मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने कार्टून उतार के रख दिया था कि मुझे गर्मी लग रही है। और फ्रेंड्स, आपको मेरे गांव के ब्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइएगा। और जो भी न्यू आए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये देखिए, डॉगियों की मस्ती चल रही है यहाँ पर। तो अब खाना पीना हो गया था और नहा धो के और खाना वाना खा कर बैठे थे हम लोग यहाँ धूप में, मूँगफली खा रहे थे। और बरसर ठंड के मौसम में ना मूंगफली खाने में बड़ा अच्छा लगता है, धूप में बैठकर खाने में। तो अभी सभी लोग बैठे थे, बच्चे, मैं और दीदी, और मूंगफली खा रहे थे और लोग बातें कर रहे थे। और हमारे यहाँ ना धूप ना जब तक हमारा काम निपटता है तब तक सारी धूप चली जाती है। बस यहीं पर इसी साइड थोड़ी सी धूप मिलती है, हमेशा से ही होता है। जब सुबह के टाइम बहुत सारी धूप होती है जब हमारा काम होता है, और जब हम काम करके फ्री होते हैं तो सारी धूप चली जाती थी। तो बड़ा गुस्सा आता था कि देखिए अब हमारा काम ख़त्म हुआ है, हम धूप में बैठेंगे, तो धूप ही चली गई। अब थोड़ी सी मैं आपको नीचे की क्लिप दिखाती हूँ। और ये देखिए, गांव के गली गलियारे, ये देखिए जानवर बंधे हुए हैं। तो अब हम चल दिए हैं फिर से वापस गांव से। हेलो जी, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर पर और अभी मैं बना रही हूँ खाना बच्चों के लिए।
क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल है, तो जल्दी से खाना बना लूँगी। और अभी शायद 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे 6 बजे आ गई थी। और मैंने बनाई है प्याज शिमला मिर्च और टमाटर की सब्ज़ी। आलू नहीं डाला, सिर्फ प्याज और शिमला मिर्ची डाली है इसमें, और टमाटर भी डाल दिए। और मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी पराठे, तो उधर सब्ज़ी बन जाएगी, जब तक मैं इधर पराठे सेक लेती हूँ, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, फिर बैठकर खाना खा लेंगे और जल्दी भी हो जाएगा। और बच्चों को ना प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, और अभी तो सीजनल सब्ज़ी है तो बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च आ रही है। और अपने ही खेत में है तो बहुत शिमला मिर्च ये ले आए थे, और तो काफ़ी फ्रिज में रख दी है, तो मैं ऐसी एक दो सब्जियों में डाल डाल कर और खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है। हर सब्ज़ी में मुझे शिमला मिर्च पसंद है, सूखी सब्ज़ी कोई भी हो उसमें शिमला मिर्च अच्छी लगती है मुझे। तो अभी तो मैंने प्याज डालकर ही बनाई है, तो बच्चे पराठे के साथ खा लेंगे और बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है। तो सब्जी भी मैंने चला दी है, वो भी अभी थोड़ी अभी अधबनी बनी है, और पराठे भी सेक लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बना रही हूँ मैं गरम गरम पराठे। सब्जी तो अभी नहीं बनी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक मेरे पराठे भी सीख जाएंगे। जैसे बच्चों से कह रही थी कि खाना मत खाओ, मैं कुछ बना दूंगी वैसे ही, तो खा लेना पोहा वगैरह। तो बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी हमें भूख लग रही है और हमें प्रॉपर खाना चाहिए, तो आप सब्जी भी बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं पराठे सेक लेती हूँ और चटनी और चार से खा लेना, तो भी नहीं माने तो कहीं से आओ ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता बनाने का, चाहे छोटा रास्ता हो या बड़ा रास्ता हो, थकान हो जाती है, तो इस वजह से फिर मान ही नहीं रहते। फिर मैंने कहा ठीक है, फटाफट मुझे सब्जी दे दो। तो मैंने शिमला मिर्च और प्याज काट के फटाफट से बना दी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता काटने में और बन भी बहुत जल्दी जाती है। बस इसी तरीके से फिर शाम का हमारा डिनर हो गया था, और पराठे भी सिक गए हैं और सब्जी भी मेरी बन गई है। तो खाना बन गया है, अब ये दूध भी मैंने कर दिया है भगोने में, और दूध गर्म करने रख दूँगी, और ये लास्ट पराठा बचा है तो उसे भी सेक कर रख लूँगी, और सब्जी बन गई है। तो सब्जी तो मैंने बंद कर दी है, बन चुकी है सब्जी, और इस पस्तावे को उतार के और इस पर दूध गर्म करने रख दूँगी, तो तब तक सब लोग हम लोग खाना खाएँगे और दूध भी गर्म हो जाएगा। फिर बच्चों को दूध दे के और सारा काम फिनिश हो जाएगी, जल्दी सोएंगे। आज ना मेरे सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, या तो हवा लगी है सिर में, पता नहीं क्या हुआ है, और सर्दी भी हो रही है, तो इस वजह से सिर में भी दर्द रहता है। तो फिर मिलेंगे आपको अपने अगली ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखिए दूध भी रख दिया गैस पे, अब इसे थोड़ा सा मैं सिम करके रखा रहने दूँगी, और तवे को एक साइड उठा के रख दूँगी कि जैसे जलने का डर ना हो। और मैंने फटाफट से लगा ली है थाली, प्याज शिमला मिर्च टमाटर की सब्जी और पराठे, तो बच्चों को दे आती हूँ।